अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। आज मैंने बनाया है कीमा दो प्याज़ा और ये बहुत मज़े का बना है और आप इसको ज़रूर ईद पे ट्राई करिएगा। और इसको मैंने लेमन से और टमाटर से गार्निश किया है और मैं इसमें हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ। हरी मिर्चें डाल देंगे। अच्छा, और इसमें जाएगा मिंट लीव्स। मेरे पास अभी फ्रेश नहीं था तो मैंने जो ड्राई मिंट लीव्स होते हैं वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इससे ये बहुत मजे का इसका टेस्ट आता है। आप इसमें पुदीना लाजमी ऊपर से गार्निश करिएगा, फ्रेश पुदीना। तो चलिए देखते हैं कि रेसिपी कैसे बनी है। कीमा दो प्याज़ा के लिए मैंने एक डेगची में घी लिया है 2 टेबल स्पून और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करूंगी। थ्री टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, और साथ आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज ली थी और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। जब अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसको निकाल दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी तो स्पाइसेस जलेंगे। ऑयल में डायरेक्ट अगर आप स्पाइस को ऐड करेंगे तो स्पाइसेस जल जाएंगे। हीट इसकी मैं स्लो कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। क्वार्टर टी स्पून में इसमें हल्दी डाल रही हूँ। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लेवल्ड 1 टेबल स्पून। अब इस मसाले को हम अच्छे तरीके से पहले भूनेंगे। 5 मिनट्स हल्की आंच पे आप इसको भूनें। हीट थोड़ी सी तेज होगी इसकी। इसको भूनने के बाद इसमें मैं फिर एक कीमा ऐड करूंगी। प्याज देखिए अच्छी सी फ्राई हो गई है, गोल्डन कलर आ रहा है तो मैं इसको अब निकाल। 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से मसाले को भूना है ऑयल में। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कीमा जो कि मैंने लिया है आधा किलो ये कीमा है बीफ का, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका मैं थोड़ा सा पानी है वो मैं निकाल रही हूँ। इसमें चला जाएगा कीमा। आंच हम इसकी तेज करेंगे। और इसको अब मैं 10 मिनट्स इस मसाले में अच्छे तरीके से इसको मैं भूनूंगी। अच्छा, कीमा हमारा अभी भून रहे हैं और उसमें डालने के लिए जो बाकी जो मैंने चीजें तैयार की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 4 से 5 मीडियम साइज की प्याज ली है और इसको मैंने स्लाइस कट किया है। 4 मैंने टमाटर लिए थे उनको भी मैंने स्लाइस कट कर लिया। इस तरीके से डालेंगे अगर आप तो ये जल्दी गल भी जाएंगे। अदरक इसमें जाएगा और ये फ्राई हुई हुई प्याज ये हम इसमें डालेंगे और बाद में हम इसको हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कीमा हमारा गल गया है। कीमे को मैंने 10 मिनट के लिए भूना है और भूनते हुए इसका पानी भी निकला था तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कवर भी कर दिया था ताकि ये थोड़ा सा ये गल भी जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक हसबे जायका। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। अगर आपको कम टमाटर पसंद है तो आप कम डाल दें लेकिन डालें, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम ये जो हमारी प्याज है ये हम सब इसके ऊपर डाल देंगे।
इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी फ्राई हुई भी प्याज, इसको हम थोड़ा फैला देते हैं। जैसे हम बिरयानी की तह लगाते हैं ना, इसी तरीके से हम टमाटर की, प्याज की और फ्राइड अनियंस की हम तह लगा देंगे इसके ऊपर। और इसमें अदरक डाल देंगे, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। हाफ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे, क्योंकि प्याज का भी पानी अभी निकलेगा और टमाटर का पानी भी निकलेगा, और मैंने कीमा फ्राई करते हुए भी इसमें कोई पानी नहीं डाला था। इसमें हम पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब ये अपने पानी में पकेगा जो प्याज और टमाटर का पानी है। तो मैं इसको 15 मिनट्स के लिए मीडियम हीट पे इसको मैं पकाऊंगी। 15 मिनट्स के बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ। ये देखिए प्याज भी ये गल गई है। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। दोबारा इसको मैं ढक के पकाऊंगी, ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, टमाटर नहीं गले तो वो भी इसमें मिक्स हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, चिकन दो प्याज़ा भी।